गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण संज्ञा के भेद देखेंगे। तो सबसे पहला भेद देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी वो शब्द जिनसे हमें किसी सुनिश्चित अथवा के किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी विशेष व्यक्ति के कोई एक जो निश्चित है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और किसी और के बारे में बात नहीं की जा रही है, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम स्कूल जा रहा है, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बिल्कुल एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो है राम, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हम एक ही पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, हिमालय। रमन सबसे शरारती लड़का है, तो हम किसके बारे में बात करें? एक ही निश्चित लड़का, एक सुनिश्चित जिसका नाम है रमन, कि वही बहुत शरारती लड़का है।